16 साल के इंतजार के बाद जानकी पुल की सौगात जनता को मिली है। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज जानकी पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूड़ी भी मौजूद रही। आपको बता दें, पौड़ी जिले को देहरादून और टिहरी से जोड़ने वाले जानकी सेतु को 55 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। बहरहाल, जानकी पुल से स्थानीय जनता के साथ साथ संत समाज भी बेहद खुश है। आज जानकी झूला जब बन चुका है और उसका उद्घाटन हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही हर्ष की बात है। इससे केवल इस क्षेत्र के लोगों का व्यापार ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि लोगों के जीवन में आने जाने की जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो आने का मन होता है, बार बार मन होता है। लोगों की सुविधा बढ़ेगी और सुविधा का अर्थ यहाँ पर इतना ही है, जब सुविधा बढ़े तो लोगों को सत्संग मिले, लोगों को शांति मिले, लोगों को अच्छी बातें सुनने को मिले, अच्छे विचार मिले, और उसमें ये जानकी झूला बहुत बड़ी भूमिका अदा करे। और जानकी माँ तो वैसे ही भक्ति का प्रतीक है, इसके माध्यम से भक्ति बढ़े, भक्ति की शक्ति बढ़े और गंगा जी के प्रति जो लोगों के प्रति भावना है वो बढ़े। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब आवागमन ज़्यादा बढ़ता है, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, तीर्थयात्री ज़्यादा आते हैं, तो गंदगी भी बढ़ती है कई बार। ये सब ध्यान रखना होगा दोनों पार को, इस पार और उस पार को, कि दोनों तरफ व्यवस्थाएं स्वच्छता की बनी रहे। 14 साल के लंबे अंतराल के बाद आज वो समय आ गया है जब ये जानकी पुल का आज उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूड़ी और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे और इस पुल का जो है लोग यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। ये जो पुल है ये टिहरी से पौड़ी को जोड़ता है और ये 50,000 की आबादी है जो कि राम झूला और लक्ष्मण झूला पुल से जो होकर के वहाँ पर जाते थे लोग, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है लक्ष्मण झूला पुल को बंद कर दिया गया था और राम झूला पुल पर दो पहिया वाहनों का आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद काफ़ी लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था। 2006 में जब एनडी तिवारी जी की सरकार यहाँ पर थी तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था और ये पुल का जो है उद्घाटन उस टाइम हुआ था और बनना चालू हुआ था और 2020 में ये पुल बनकर तैयार हो गया है और आज वो जो है आज इसका उद्घाटन समारोह यहाँ पर किया जा रहा है। इससे जितना यहाँ व्यापारी वर्ग है उसमें काफ़ी खुशी है, काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये देखिए प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियाँ की जा चुकी है उद्घाटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है पुल के ऊपर और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूड़ी से तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे और ये पुल जो है आज इसका उद्घाटन समारोह होने के बाद आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। और यहाँ पर पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद लोग पैदल ही मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे और यहाँ के व्यापारियों में काफ़ी उत्साह है। इस पुल के खुल जाने से प्लान पे भी रोक लगेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ नीरज गोयल, नेटवर्क।